हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो दिस इज अगेन अ हेल्थ रिलेटेड वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, देन हाय, आई एम आरती। मैं इस चैनल पे व्लॉग शेयर करती हूँ, टीबी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बिकॉज आई एम अ ब्रेन टीबी पेशेंट सिंस 16 मंथ्स। तो यस, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अगेन टीबी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है, एंड कुछ लोगों ने पूछा है कि आप हमें बताइए कि हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएं या प्राइवेट से कराएं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में से कौन सा बेटर है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो मेरा ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा है, इट्स बीन 16 मंथ्स। एंड बहुत सारे लोग जिनको टीबी है वो तो है, पर जिनको नहीं है वो भी मुझसे यही बोलते हैं कि व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो मच मनी एंड व्हाई आर यू डूइंग ट्रीटमेंट इन प्राइवेट, आप गवर्नमेंट से कर लेते, गवर्नमेंट में अच्छा है, फैसिलिटीज है, ये सब चीजें। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ, आज से 3 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था। तब मेरी जो टाउन है यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत वर्स था, बहुत ही वर्स था। वहां पे 3 दिन मुझे एडमिट करके वहां से निकाल के मुझे फिर प्राइवेट में एडमिट करा दिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस पहले से ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा नहीं था, ये एक रीजन है मेरा प्राइवेट से ट्रीटमेंट कराने का। और अनदर रीजन ये है कि जो मेरी कंडीशन थी दैट वॉज वेरी क्रिटिकल। मैं बोलती नहीं थी, आई वॉज अनकॉन्शियस, फुल्ली नहीं, सबकॉन्शियस माइंड था, मतलब कुछ भी अगर बोलूं तो कुछ भी बोलती थी। एंड मैं चल नहीं पाती थी। तो जब आपका पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है, ऐसी कंडीशन होती है, तो आपको डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, आपको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो अगर आपका जो पेशेंट है, देखिए टीबी बहुत सारी जगह पे होती है, जैसे लंग्स में हो गया, ब्रेन में हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, बोन टीबी, ये सब। तो अगर आपके पेशेंट को टीबी डायग्नाइज हुआ है बट आपके पेशेंट अच्छे हैं, मतलब अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, मेंटली फिट है, उन्हें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं ट्रीटमेंट। क्योंकि जो टैबलेट्स देनी है वो तो सेम ही है टीबी के लिए, एंटी टीबी तो सेम ही है टैबलेट्स, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप प्लीज रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएं, जैसे एम्स हो गया, सीएमसी वेलोर हो गया, इन सबसे कराएंगे तो अच्छा रहेगा। बट स्मॉल स्मॉल टाउन्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो इतने अच्छे नहीं होते। जैसे छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो चलता है, बट बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए नहीं होता। तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे टाउन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो आपका पेशेंट जो है वो बोलना चाहिए, एंड वो थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में है आपके पेशेंट, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेशेंट बोल ही नहीं रहे हैं, पूरा अनकॉन्शियस है, आपके चल नहीं पाते हैं, बहुत सारी इश्यूज है, तो आप प्राइवेट से कराएंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि प्राइवेट में हर टाइम आपके पेशेंट जो है डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। अगर आपके पेशेंट को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर को कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं, और सिस्टर्स तो हमेशा 24 आवर्स रहते ही है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होते। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ कि आपको प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए या गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ना 2 केसेस है। एक तो आपका अगर पेशेंट अच्छा है, उनको टीबी डायग्नाइज हुआ है बट उनकी कंडीशन अच्छी है, वो खा पी रहे हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं, उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिमागी हालत से ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से करा सकते हैं। और ट्राई करिए कि कोई रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराए, तो आप गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस नहीं लगेंगे, आपके टैबलेट्स आपको फ्री में मिलेगी गवर्नमेंट से, बट हाँ, अगर आपके जो टेस्ट करने होते हैं, ब्लड टेस्ट, MRI, इनके पैसे लग सकते हैं। मुझे पता नहीं है, मैं गई नहीं हूं, तो मैंने ऐसा सुना है। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हैं। लंग्स टीबी का तो मोस्टली लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करते हैं, क्योंकि वहां पे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है,
तो कंडीशन मतलब नॉर्मली होती है पेशेंट की, मोस्टली नॉर्मल कंडीशन होती है। बट अगर आपको ब्रेन, स्पेशली अगर आपको ब्रेन टीबी है, स्पाइन में है, और ब्रेन टीबी के साथ क्या होता है कि एक कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोसिफेलस भी हो जाता है। मोस्टली ब्रेन टीबी के पेशेंट्स को हाइड्रोसिफेलस होता है, तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड होता है, कुछ भी बोलने लगता है, वायलेंट हो जाता है, एंड उनकी बॉडी जो है कुछ केसेस में पैरालिसिस भी होता है, क्योंकि मैंने देखा है, एंड कुछ केसेस में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी कंडीशन थी, मैं अनकॉन्शियस थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, तो आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, एंड मुझे आईसीयू में भी 7 दिन रखा गया था। तो अगर आपकी पेशेंट ऐसे है, आपको आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, आपको 24 आवर्स कोई पेशेंट के साथ में चाहिए होता है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बहुत ही ये होता है कि अटेंशन उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। डॉक्टर्स भी विजिटिंग आवर्स पे आते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी होता है आप डॉक्टर्स को कॉल करके नहीं बुला सकते। मतलब आप कॉल करके बुलाएंगे, बट डॉक्टर्स मोस्टली अपने विजिटिंग आवर्स में ही आते हैं। बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो आपके पास हमेशा सिस्टर रहती है, और आपको जब भी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर को कॉल करेंगे तो डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो ये फैसिलिटी प्राइवेट में होती है। तो अगर आपके पेशेंट्स की हालत क्रिटिकल है तो आप प्राइवेट से ही कराइए, नहीं अगर आपके पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है, चल फिर रहे हैं, खाना अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप गवर्नमेंट से करा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। लोगों, मेरी ब्रेन स्पाइन टीबी एंड हाइड्रोसिफेलस की स्टोरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है। एंड मैंने ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके एक प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पे सारी टीबी की वीडियोस इन्फॉर्मेशंस है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड यस, तो आज का वीडियो यही था, आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।